بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear students, welcome to all of you in the online class of FEI. Today's topic is electric generator and it is the lecture number 13 of this chapter, Magnetic Effects of Current. आज हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी कॉन्स्ट्रक्शन क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो हम देखेंगे पहले, और इसकी डेफिनेशन पहले हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है. इलेक्ट्रिक जनरेटर या जनरेटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये एक डिवाइस होता है, ये एक मशीन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है. कैसे प्रोड्यूस करती है? बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो इस डिवाइस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक जनरेटर. या हम ये भी कहेंगे कि इट इज अ डिवाइस डिवाइस कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. जो डिवाइस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक जनरेटर. तो इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं उस पर भी हम बात करेंगे. पहले हम इसके पार्ट्स देखेंगे और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर. वन इज कॉल्ड एज एसी जनरेटर एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज डीसी जनरेटर. ये एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर हो, दोनों मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है, तो एसी करंट क्या होते हैं? करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली एंड हुज डायरेक्शन इज रिवर्स्ड पीरियडिकली, तो उसको हम एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं. और जो वहां पे जो डिवाइस यूज होता है एसी जनरेटर, यानी अगर एसी करंट प्रोड्यूस हो जाएगी बाय यूजिंग जनरेटर, उसको हम एसी जनरेटर कहते हैं. इसी तरह जो डीसी जनरेटर होता है वो वहां पे क्या डायरेक्ट करंट, वो डीसी का मतलब क्या है? डायरेक्ट करंट. ठीक है, और जो डिवाइस वहां पे वो डीसी करंट जो प्रोड्यूस वहां पे करता है तो उसको हम डीसी जनरेटर कहते हैं. यानी एसी जनरेटर प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, एसी करंट प्रोड्यूस करता है उसको हम एसी जनरेटर कहते हैं. इसी तरह डीसी जनरेटर क्या करता है? डीसी करंट प्रोड्यूस करता है बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम क्या कहते हैं? डीसी जनरेटर. तो डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखना कि इस एसी जनरेटर हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम डीसी पर भी देखेंगे कि डीसी जनरेटर क्या होता है. तो इसका पहले प्रिंसिपल हम देखेंगे कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, काम करता है. इट इज बेस्ड ऑन अ फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ा, जिसका कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है. जब हम एक वायर को या एक क्वाइल को, व्हेन वी प्लेस अ क्वाइल बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, तो वहां पे इस क्वाइल को जब हम ये मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, वहां पे करंट प्रोड्यूस होती है. वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है? करंट. इस फिनोमेनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. तो ये जो करंट प्रोड्यूस होती है, जो ये एसी जनरेटर या जो ये इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है, तो ये इसी फिनोमेना पे ये वर्क करता है. ये इसी फिना इसकी जो वर्क है, ये इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इसी कॉन्स्ट्रक्शन हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है. आर्मेचर होता है, फील्ड मैग्नेट होता है, स्लिप रिंग्स होते हैं, ब्रशेस होते हैं. क्या होता है? आर्मेचर, फील्ड मैग्नेट, स्लिप रिंग्स, ब्रशेस, ये पार्ट्स इसमें होते हैं. आर्मेचर क्या होता है? इसमें सॉफ्ट आयरन कोर पे, ये भी आपको डायग्राम के जरिए समझ में आएगा कि सॉफ्ट आयरन कोर पे ये नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स वॉन की जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आर्मेचर क्वाइल कहते हैं या सिंपली आर्मेचर कहते हैं. इसी तरह फील्ड मैग्नेट, दैट मीन्स मैग्नेट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच एक क्वाइल को रखा जाता है तो ताकि करंट प्रोड्यूस हो जाए. इसी तरह स्लिप रिंग्स भी आपको डायग्राम के जरिए समझ में आएगा. और ब्रशेस क्या होते हैं? ये कार्बन ब्रशेस के बने होते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स,
ये जो पावर स्टेशन जो होते हैं ये कैसे पूरे शहर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर एक डिवाइस लगा होता है जो पंखे की तरह होता है, जो फैन की तरह होता है, इसको टर्बाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्बाइन। अगर ये टर्बाइन रोटेट किया जाएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं। तो कैसे प्रोड्यूस होते हैं पहले देखते हैं, देखेंगे कि इसको कैसे रोटेट किया जाता है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर हमने वाटर के जरिए इसको रोटेट किया जाए, इस टर्बाइन को वाटर के जरिए रोटेट किया जाए, तो जब ये रोटेट करने लगेगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं। तो कैसे प्रोड्यूस हो जाएगी अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये अभी जो मैंने आपको बोला कि ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है इसका ये जो इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? जब ये कॉइल को मैग्नेट के बीच रखा जाता है तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यानी ये रोटेट जब ये रोटेट करती है तो इससे करंट प्रोड्यूस होती है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, यानी मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो आपको पता है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो और आपको ये भी पता है कि अगर हम मैग्नेट के बीच, ये डियर स्टूडेंट्स मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसके बीच अगर हम एक वायर को रखते हैं, ठीक है, कंडक्टर को रखते हैं, ठीक है, फिर इसको मूव करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होते हैं। जब इस कंडक्टर को हम मूव करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होते हैं? करंट प्रोड्यूस होती है। तो अगर अब हम ये कंडक्टर नहीं रखेंगे, हम एक ये स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर है, तो करंट प्रोड्यूस होती है। अगर हम इसको मूव करते हैं तो क्यों, किससे प्रोड्यूस करंट हुई? मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिज्म से, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये मैं कुछ फिगर्स आपको पहले दिखाना चाहता हूँ, फिर हम आएंगे ये इलेक्ट्रिक जनरेटर पे। तो अगर अब हम क्वाइल रखेंगे, ये डियर स्टूडेंट्स नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है, अब हमने क्वाइल रखी, ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर क्वाइल है जिसको हम आर्मेचर कहते हैं। अगर इसी को रोटेट किया जाए, अगर इसी को रोटेट किया जाए तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है? करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये नॉर्थ टू साउथ है मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, ये क्वाइल है, ठीक है, और यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में है, और इसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से भी देखते हैं, इंड्यूस्ड करंट जो इसमें इंड्यूस करंट होते हैं। तो अभी हम इलेक्ट्रिक जनरेटर की कॉन्स्ट्रक्शन जो है उसी की तरफ हम आएंगे, लेकिन पहले ये आप याद रखना कि क्वाइल जब हम रखते हैं, ये जो आर्मेचर कॉइल जो हम रखते हैं बिटवीन द पोल्स ऑफ है मैग्नेट। तो अब हम देखेंगे कि इसकी जो कॉन्स्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिक जनरेटर की जो कॉन्स्ट्रक्शन है वो क्या है। ये डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, ये नॉर्थ पोल है ऑफ मैग्नेट, ये साउथ पोल है मैग्नेट का, और ये आर्मेचर कॉइल है, ठीक है। और जो भी मैंने आपको बोला कि आर्मेचर कॉइल वो ये है, उसके बाद मैंने बोला आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड वो ये है मैग्नेट, ठीक है, फील्ड मैग्नेट। उसके बाद आपको मैंने बोला कि स्लिप रिंग्स, ये जो स्लिप रिंग्स होते हैं, ठीक है, दे आर प्लेस्ड एट सम डिफरेंस ऑफ द टॉप, यानी ये तो कुछ हाइट पे रखे जाते हैं, ठीक है, एक ऊपर एक, यानी कंटिन्यूअसली, यानी कनेक्ट नहीं, ये थोड़ा दूर दूर है, ठीक है, कुछ हाइट डिफरेंस है, इनकी हाइट में कुछ डिफरेंस है, और ये एक कॉइल, ये स्लिप रिंग है, ये दूसरी स्लिप रिंग है, ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल्स होते हैं। तो ये जो कॉइल है, एक का एंड इसके साथ है, इस स्लिप रिंग के साथ, दूसरा दूसरे स्लिप रिंग के साथ। उसके बाद अभी मैंने आपको बोला कि फील्ड, यानी ब्रश जो होते हैं वो कार्बन ब्रश होते हैं, ये कार्बन ब्रश जो है ये इस वायर के साथ होते हैं, और ये स्लाइटली टच करते हैं किसके साथ? इस स्लिप रिंग्स के साथ, स्लिप रिंग्स के साथ ये टच करते हैं, और ये एक स्लिप रिंग के साथ, यहाँ यहाँ देखिए, ये ब्रश इस स्लिप रिंग के साथ और ये ब्रश इस स्लिप रिंग के साथ। तो जब ये क्वाइल
अभी ए और एक फिगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यही कॉयल है, ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ मैग्नेट फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन है, ये स्लिप रिंग्स हैं, ये ब्रशेस हैं, और जब डियर स्टूडेंट्स करंट प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे देखिए, ये इस करंट की डायरेक्शन यहाँ इस है, इस आर में यहाँ से डायरेक्शन, ये जो पिंक वाली पिंक साइड इस कॉयल का, फिर यहाँ देखिए यहाँ इस डायरेक्शन में है, यहाँ अपवर्ड्स है, यहाँ डाउनवर्ड्स है, फिर यहाँ इस ये ब्रश कनेक्ट करता है इसको, तो ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ भी ये बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, तो अगर हमें देखना है यहाँ देखिए जो पिंक वायर है, पिंक साइड है इस कॉयल का, तो इसमें देखिए करंट की डायरेक्शन, और यहाँ भी देखिए, और यहाँ यहाँ से यहाँ करंट की डायरेक्शन, जब कॉयल ये जो वर्टिकल पोजिशन पे आती है तो वह उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ये रिवर्स होती है, करंट की डायरेक्शन चेंज होती है वहां पे। तो कैसे रिवर्स होती है ये देखिए, जब ये कॉइल रोटेट करने लगेगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, जब ये वर्टिकल पोजिशन पे आती है, आप देखिए पिंक साइड इस कॉइल का कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और ये जो ब्लू कलर है इस कॉइल का वो इस साइड चला गया। अब यहाँ देखिए करंट की डायरेक्शन, यहाँ अपवर्ड से ऊपर, यहाँ देखिए ब्लू कलर साइड में वो डाउनवर्ड से, ठीक है। तो एट वर्टिकल पोजिशन एट हाफ रोटेशन दिस डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्सड एंड दिस इज नोन एज एसी करंट, एंड यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस ने, इसको हम एसी जनरेटर कहते हैं, अल्टरनेटिंग जनरेट अल्टरनेट करंट डिवाइस या जनरेटर। तो डियर स्टूडेंट्स अब अगर हमें देखना है कि ये इंड्यूस्ड करंट जो इसमें इंड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो आपको पता है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे। ये देखिए मैग्नेट फील्ड लाइंस, यहाँ ये जो पिंक साइड है इस कॉइल का, इसमें हम ये जो फील्ड लाइन, ये फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड एंड थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस वायर एंड सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, वो देखिए वो इनवर्ड्स है, ठीक है, इनवर्ड्स है इंड्यूस्ड करंट, दैट मीन्स करंट एंटर होते हैं इस साइड में। अब यहाँ करंट लीव होते हैं, आप देखिए इट कम्स आउटवर्ड्स, यहाँ करंट आउटवर्ड, यहाँ करंट इनवर्ड, और यहाँ करंट डाउन आउटवर्ड। तो मैग्नेट फील्ड लाइन की डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन आप देखिए यहाँ ये जो मैग्नेटिक ये जो थंब है इट पॉइंट्स डाउनवर्ड्स, दैट मीन्स ये जो कॉइल है इसकी डायरेक्शन इसकी मोशन क्या है इस वक्त, ठीक है, थंब की तरफ है, थंब शोज द मोशन ऑफ द कंडक्टर और द मोशन ऑफ दिस आर्मेचर कॉइल एंड इंड्यूस्ड करंट इस वक्त आउटवर्ड्स है जो सेंट्रल फिंगर दिखाती है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद है डीसी जनरेटर, इसके बाद क्या है डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल, इसकी कॉन्स्ट्रक्शन और जो वर्किंग है इस ये डीसी जनरेटर की वो सेम है एज दैट ऑफ एसी जनरेटर की, लेकिन याद रखना स्लिप रिंग्स जो होते हैं एसी जनरेटर में उसके बदले डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स होते हैं, क्योंकि डीसी जनरेटर में जो आउट सर्किट होता है, ठीक है, आउटसाइड जो सर्किट होता है वहां पे करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, वो तो उसकी डायरेक्शन सेम होती रहती है, इसलिए डीसी जनरेटर, तो आपको पता है कि डीसी करंट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, वहां पे फ्लोस ओनली इन वन डायरेक्शन, वहां तो डायरेक्शन करंट की चेंज नहीं होते हैं। तो आप याद रखना द प्रिंसिपल द कॉन्स्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर इज सेम एज दैट ऑफ एसी जनरेटर एक्सेप्ट दैट इन प्लेस ऑफ स्लिप रिंग्स देयर आर स्प्लिट रिंग्स और कॉम्यूटेटर, जिसको हम स्प्लिट रिंग्स कॉम्यूटेटर भी कहते हैं। तो इसकी फिगर देखिए आप स्टूडेंट्स, ये देखिए ये तो सेम है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ठीक है, और ये मैग्नेट फील्ड लाइन्स, ये देखिए ये कॉयल है आर्मेचर कॉयल, ठीक है, और आर्मेचर कॉयल जो है ये देखिए यहाँ कंप्लीट रिंग्स नहीं है, यहाँ स्लिप रिंग्स के बजाय स्प्लिट रिंग्स है,
क्या है? स्प्लिटिंग। आप देखिए यहां करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक। यहां देखिए, यहां भी सेम डायरेक्शन, यहां से डायरेक्शन फॉलो होते, करंट फॉलो होते हैं। जब ये वर्टिकल पोजिशन पे आती है ये कॉइल, वहां डायरेक्शन चेंज होते हैं, लेकिन इस आउटसाइड सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होते हैं, वो यूनिफॉर्म रहती है, वो फ्लोज इन ओनली, वो फ्लो होते हैं इन ओनली वन डायरेक्शन। ये देखिए इसमें डायरेक्शन, इस आउटसाइड सर्किट में डायरेक्शन ये होते हैं करंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए डायरेक्शन ये है, और अंदर देखिए क्वाइल में डायरेक्शन ये है ऐसे। अब जब दूसरा इसका देखा जाए, आप देखिए करंट की डायरेक्शन क्वाइल में चेंज हुए, लेकिन आउटसाइड सर्किट में चेंज नहीं हुए, फिर भी यहां से ही फ्लो होते। ये देखिए फ्लो करंट ये सेम रही, लेकिन यहाँ करंट चेंज हुए। तो डीसी जनरेटर इज सेम एज दैट ऑफ एसी जनरेटर एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्लिप रिंग्स, वहां यहाँ स्प्लिट रिंग्स होती हैं। किसमें? डीसी जनरेटर में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है कि डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जो ये चैप्टर, ये जो ये टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं आज, इनको ज़्यादातर यानी टीचर स्टूडेंट यानी यानी फेस टू फेस इंटरेक्शन होनी चाहिए। तो लेकिन आपको पता है कि हालात की वजह से हम आज ये वीडियोस ही बना रहे हैं। तो अगर आपको कहीं पे ये दिक्कत आएगी इन टॉपिक को समझने में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।